उत्तर प्रदेश के किसी भी धरना प्रदर्शन में पुलिस के खिलाफ नारेबाजी होना तो आम बात है, लेकिन आज मुरादाबाद में हिंदू समाज पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंच गए और योगी पुलिस के समर्थन में नारेबाजी करते हुए पुलिस की समस्याओं को लेकर डीएम को एक ज्ञापन सौंपा। लोगों को प्रताड़ित करने का सालों से आरोप झेल रही उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आज शायद पहली बार मुरादाबाद में हिंदुओं से जुड़ी हिंदू समाज पार्टी खड़ी हो गई। दरअसल हिंदू समाज पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता आज एक बड़ा बैनर हाथों में लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए। ये कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश पुलिस के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। इनका कहना था कि पुलिस 24 घंटे लोगों के लिए काम करती है, लेकिन उसके लिए कोई सुविधाएं नहीं है। हिंदू समाज पार्टी ने एक ज्ञापन के माध्यम से मांग उठाई कि पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक छुट्टी दी जाए, महिला पुलिस कर्मियों को उनके गृह जनपदों में पोस्टिंग किया जाए। इसी तरह की 5 मांगों का एक ज्ञापन मुरादाबाद प्रशासन को सौंपा गया। हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग जो कि 24 घंटे हमारी सेवा कर रहा है, हम उसका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और उन पुलिस वालों को जो हमारी मांगे हैं, 6 दिन मांगे हैं, पहली मांग बॉर्डर स्कीम खत्म हो, दूसरी मांग महिला कांस्टेबल को उसके जनपद में नियुक्ति हो, दूसरा पुलिस की समस्याएं, सिपाहियों की समस्याओं को लेके एक पुलिस संगठन का आयोग बनाया जाए, जिससे कि तत्काल प्रभाव से, क्योंकि ये साक्षात हमने देखा है कि कभी अगर कोई पुलिस कर्मी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है परिवार में, तो उसको छुट्टी तक नहीं मिल पाती है, वो छुट्टी के लिए दर दर की ठोकरें खाता है। सिर्फ इन चीजों को देखते हुए हमारी जो मांगे हैं, ये आज एक छोटी सी मुहिम मुरादाबाद से स्टार्ट की गई है पार्टी के माध्यम से, और इस मुहिम को 28 दिसंबर को पैदल मार्च संकल्प मार्च लखनऊ में निकाला जाएगा, और उसके बाद भी नहीं होगा तो एक ये मेरा सबसे बड़ा ऐलान है कि अगर 3 महीने में हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तो मैं वादा करता हूँ चाहे मुझे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े, इन मांगों को पूरा करके ही दम लूंगा।